What is this, Father? What is this place? Who created this? Who created it? England did not create it. Boston should not have created it. You Hindus did create it. With your own willingness, you signed the contract and you created it. Savarkar mane tej, Savarkar mane tyag, Savarkar mane teer, Savarkar mane talwar. अरे जवाब दीजिए, सावरकर को आपने फेंक दिया क्या? वीर सावरकर जी के जीवन के दो पहलू हैं। पहला तो बहुत ही उल्लेखनीय है, जहां उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। दूसरा पहलू है जब उन्होंने माफी मांगकर वो वापस लौट कर आए। दोनों पहलू पर ही हम लोग को विचार करना चाहिए। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। The Indian War of Independence 1857 एक ऐसी बुक जो बताती है कि कैसे पूरा भारत ब्रिटिश पावर के खिलाफ एक हो गया था। इस बुक से ब्रिटिशर्स इतना डर गए थे कि उन्होंने इसे पब्लिश ही नहीं होने दिया। सोचिए इस बुक के राइटर कैसे रहे होंगे। वो सिर्फ एक राइटर ही नहीं बल्कि एक बैरिस्टर, एक पोएट और एक फ्रीडम फाइटर भी थे। एक ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर जिनके गुजर जाने के 56 साल बाद भी उनका नाम आते ही पॉलिटिक्स और जनता दोनों ही दो भागों में बंट जाते हैं। उनके अपने ही देश में उन्हें कोई वीर बुलाता है तो कोई कहता है कि अगर वो इतने ही वीर थे तो ब्रिटिशर्स को जेल में रहते हुए इतने माफीनामे क्यों लिखते थे। हम बात कर रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर की, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। विनायक सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को भागोर नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी माँ का नाम राधाबाई था और पिता का नाम दामोदर पंत था। उनके दो भाई भी थे, गणेश और नारायण। सावरकर्स पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वाज वेरी यंग और बहुत कम उम्र में उनके बड़े भाई गणेश के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। गणेश सावरकर, जिन्हें बाबा राव सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, वो भी एक रिवॉल्यूशनरी थे। टीन एज में ही विनायक पर अपने बड़े भाई गणेश का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। जब सावरकर यंग थे तब 1899 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एब्सोल्यूट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए एक यूथ ग्रुप फॉर्म किया था जिसका नाम मित्र मेला था। 1904 में इस ग्रुप का नाम बाद में अभिनव भारत सोसाइटी रख दिया गया। इस समय तक इस सोसाइटी की कई ब्रांचेस बन चुकी थी और सैकड़ों रिबेल्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स ने इसे ज्वाइन किया। ये उन कुछ रिवॉल्यूशनरी सोसाइटीज में थी जो आर्म्ड रिबेलियंस के साथ मिलकर ब्रिटिश रूल को कम्प्लीटली खदेड़ देना चाहती थी। 1905 में स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए फॉरेन कपड़ों की होली जलाई गई जिसमें बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे। बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट सावरकर वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज कॉलेज एंड हिज बीए डिग्री वॉज ऑल्सो कैंसल्ड। ही वॉज मैरिड टू यमुना बाई। इट वॉज हर फादर हु टुक केयर ऑफ सावरकर्स इनिशियल एजुकेशन। इंग्लैंड में पढ़ने के लिए सावरकर को स्कॉलरशिप भी मिली और वो जून 1906 में वहाँ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई ग्रेज इन लॉ कॉलेज में की। वो मशहूर इंडिया हाउस में रहने लगे जिसके फाउंडर श्याम कृष्ण वर्मा थे। सावरकर सून फाउंडेड फ्री इंडिया सोसाइटी इन इंग्लैंड। इस सोसाइटी में रेगुलर मीटिंग्स होने लगी जहां पर हिंदुस्तानी त्योहारों व फ्रीडम फाइटर्स के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाने लगा। इंग्लैंड में रहने के दौरान ही सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी। आगे जाकर यही बुक भगत सिंह जैसे कई फ्रीडम फाइटर्स के लिए इंस्पिरेशन बनी। इससे पहले 1857 के रिवॉल्यूशन को सिर्फ एक सैनिक विद्रोह माना जाता था। सावरकर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की घटना को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था। ब्रिटिशर्स इस बुक से इतना डर गए थे कि उन्होंने इस बुक को पब्लिश ही नहीं होने दिया। बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस ला सकें। 21 दिसंबर 1909 को एक ब्रिटिश ऑफिसर AMT जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन में नाम आया अभिनव भारत सोसाइटी का जिसे सावरकर भाई लीड करते थे। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि सावरकर 20 पिस्टल्स लेके इंडिया आए थे जिनमें से एक का इस्तेमाल करके अनंत लक्ष्मण कन्हेरा ने AMT जैक्सन का असैसिनेशन किया था। इस वजह से ईयर 1909 में सावरकर पहली बार कॉन्स्पिरेसी चार्जेस में गिरफ्तार हुए। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। इस केस में अभिनव भारत सोसाइटी के 27 मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया। गणेश सावरकर और विनायक सावरकर को 4 जुलाई 1911 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सेलुलर जेल भेज दिया गया जिसे हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं। उन्हें उस वक्त 2 लाइफ सेंटेंस यानी 50 साल की जेल हुई। लोग काला पानी की सजा से बहुत ही खौफ खाते थे। इस सजा को मौत से भी बदतर माना जाता था जो अच्छे अच्छों का मनोबल तोड़ दे। जेल के सारे वर्कर्स ब्रिटिशर्स या फिर पठान थे और कैदियों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता था और उन्हें खाना भी जानवरों जैसा ही मिलता था, जैसे जंगली घास का पानी या फिर छोटे छोटे पत्थरों वाले चावल। कैदियों पर इतना जुल्म होता था कि कुछ कैदी तो आत्महत्या ही कर लेते थे। सावरकर को पहले 6 महीने कोठरी नंबर 52 में सभी कैदियों से अलग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था। सावरकर का सेल टॉप फ्लोर पर था जहां से वो दूसरे कैदियों को फांसी लगते हुए देख सकते थे। वो कैदी और कोई नहीं बल्कि उनके जैसे फ्रीडम फाइटर्स ही थे।
फॉर्मर हिस्टोरियन शमसुल इस्लाम ने अपनी बुक हिंदुत्व सावरकर अनमास्क में बताया कि दूसरे कैदियों को फांसी लगते देख सावरकर की रूह कांप उठती थी। सावरकर बीइंग अ बैरिस्टर न्यू हिज राइट्स। काला पानी में जाने के दो महीने के अंदर ही उन्होंने 30 अगस्त 1911 को अपना पहला मर्सी पिटीशन फाइल किया, जिसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने खारिज कर दिया। 14 नवंबर 1930 को सावरकर ने एक और मर्सी पिटीशन फाइल किया, लेकिन उसे भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने खारिज कर दिया। 1911 से 1919 के बीच सावरकर ने 5 मर्सी पिटीशन फाइल किए, उन सभी को खारिज कर दिया गया। 1920 में गांधी जी ने सावरकर के छोटे भाई नारायण सावरकर को यह सलाह दी कि उन्हें एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए, क्योंकि जो ऑफेंस सावरकर के द्वारा किए गए वो प्योरली पॉलिटिकल हैं और इस केस को पब्लिक अटेंशन भी मिलेगी। इस बात पर भी एक कंट्रोवर्सी हुई। राजनाथ सिंह का कहना था कि महात्मा गांधी के कहने पर ही सावरकर ने ब्रिटिशर से माफी मांगी थी, जबकि हिस्टोरियन इरफान हबीब की माने तो गांधी के इंडिया आने के पहले ही सावरकर कई बार मर्सी पिटीशन फाइल कर चुके थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की। सावरकर तो 26 जुलाई 1911 में अंडमान गए और पहला लेटर मर्सी पिटीशन उनका अगस्त में लिखा गया 1911 में। उसके बाद 5 और लिखे गए 1915 तक। तो ये सब मर्सी पिटीशन तो पहले लिखे जा चुके थे, गांधी तो उस वक्त हिंदुस्तान में थे ही नहीं। 1921 में सावरकर को मेनलैंड प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया गया और 1924 में फाइनली उन्हें रिलीज कर दिया गया, मगर दो शर्तों के साथ। पहली ये कि वो कभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल नहीं होंगे और दूसरी ये कि बिना कलेक्टर की इजाजत के वो रत्नागिरी जिले से बाहर नहीं जाएंगे। सावरकर ने जेल में रहते हुए कई मर्सी पिटीशंस लिखी, जिन पर कई अलग अलग ओपिनियंस हैं। कई लोगों का ये मानना है कि सावरकर ब्रिटिशर्स के सामने झुके नहीं थे, बल्कि उन्होंने चतुरता दिखाई थी। जो काम वो जेल के बाहर से कर सकते थे, वो जेल के अंदर से कभी नहीं कर पाते। वहीं दूसरे लोगों का ये मानना है कि सावरकर बिल्कुल वीर नहीं थे और काला पानी की सजा से वो बिल्कुल टूट चुके थे। उन्होंने तो कई बार अपने लेटर्स में अंग्रेजों के सामने माफी मांगी थी और यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स के साथ काम करने के लिए भी तैयार हो गए थे। लोग सावरकर को भगत सिंह से भी कंपेयर करते हैं। एक तरफ भगत सिंह थे, जो अपने ही पिता से नाराज हो गए थे क्योंकि उनके पिता ने अंग्रेजों के आगे भगत सिंह के डिफेंस में एक पिटीशन दायर करी थी। उन्हें फांसी खुशी खुशी मंजूर थी, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं। वही सावरकर थे जो 2 महीने जेल में बिताने के बाद से ही मर्सी पिटीशंस लिखना शुरू हो गए थे। सावरकर को वीर कहा जाए या नहीं, लोग आज तक इस पर बटे हुए हैं। इसके अलावा उन पर एक और कंट्रोवर्सी हुई। कई लोगों ने सवाल उठाए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सावरकर को 60 रुपए पेंशन में क्यों देती थी। आखिर सावरकर ब्रिटिशर्स की ऐसी क्या सेवा करते थे। इस बात पर सावरकर के पोते की माने तो वो पेंशन नहीं बल्कि डिटेंशन अलाउंस था जो हर कैदी को मिलता था। इनफैक्ट सावरकर को तो दूसरे कैदियों के कंपैरिजन में सिर्फ आधा ही अलाउंस मिलता था। वैसे तो सावरकर नास्तिक थे, लेकिन अंडमान और निकोबार जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। इस बुक में उन्होंने लिखा कि इस कंट्री का मूल नागरिक एक हिंदू है। हमारे देश का सिटीजनशिप वही हो सकता है जिसकी पितृभूमि, मातृभूमि या पुण्यभूमि इंडिया हो। पितृभूमि और मातृभूमि तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन पुण्यभूमि सिर्फ हिंदूस, सिख्स, बुद्धिस्ट्स या फिर जैन्स की ही हो सकती है। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की तो ये पुण्यभूमि हो ही नहीं सकती है। एंड बाय दिस डेफिनेशन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस कैन नेवर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अनलेस दे एक्सेप्ट हिंदुइज्म। यहाँ एक और कॉन्ट्रोवर्सी ने उन्हें घेर लिया। सावरकर पर ब्लेम लगाया गया कि वो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपना रहे हैं और टू नेशन थ्योरी का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माने तो सावरकर ने कभी देश के विभाजन की बात की ही नहीं। इनफैक्ट वो तो मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट चाहते थे। सावरकर के हिसाब से मुस्लिम माइनॉरिटी को इक्वल सिटीजन के जैसा ही ट्रीट करना चाहिए, उन्हें इक्वल राइट्स और इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और ऐसा कोई भी रूल नहीं होना चाहिए जो हिंदूस पर तो लागू होता हो लेकिन मुस्लिम्स पर नहीं। सावरकर की जिंदगी में अभी बहुत बदलाव आना बाकी थे। वो गांधी की आइडियोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट थे और उन्हें हिपोक्रेट भी बुलाते थे। गांधी जी 1927 में सावरकर के घर गए थे और उन दोनों के बीच काफी घंटों तक बहस भी हुई थी। जाते जाते गांधी ने सावरकर से ये भी कहा कि हम कई मुद्दों पर एग्री नहीं करते, लेकिन उन मुद्दों से निपटने के लिए जो नए तरीके मैं अपना रहा हूं, उनसे तुम जरूर एग्री करोगे। गांधी का जवाब देते हुए सावरकर ने कहा कि आप ये एक्सपेरिमेंट्स देश की कीमत पर कर रहे हैं। 1937 में सावरकर हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बने। गांधी काउ वर्शिपिंग को प्रमोट करते थे, तो वही सावरकर गाय को सिर्फ एक यूजफुल एनिमल के तौर पर देखते थे। सावरकर का मानना था कि गाय को प्रोटेक्ट करना तो जरूरी है, लेकिन उनकी पूजा करना ह्यूमैनिटी और डिवाइनिटी दोनों की बेइज्जती है। उनका मानना था कि हिंदुत्व का सिंबल आज्ञाकारी गाय नहीं बल्कि वायलेंट नरसिम्हा शेर होना चाहिए। 1948 में महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ और इसके बाद सावरकर की परेशानियां और बढ़ गई। नाथूराम गोडसे सावरकर का फॉलोअर था, इस वजह से सावरकर पर डायरेक्ट शक गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही जिस मराठी डेली अग्रणी हिंदू राष्ट्र का नाथूराम एडिटर था, उसमें इन्वेस्टर थे सावरकर। सबूत ना होने के कारण कुछ वक्त बाद सावरकर को रिहा कर दिया गया। कहा जाता है कि जेल से बाहर आने के बाद
कई संगठनों ने सावरकर को किनारे कर दिया था क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या में उनका नाम आया था। सावरकर ने आत्मार्पण यानी फास्ट अंटिल डेथ का प्रण ले लिया था। 1 फरवरी 1966 को उन्होंने घोषणा करी कि वो अपनी मौत तक उपवास रखेंगे। 26 फरवरी 1966 ही वो दिन था जब सावरकर ने मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली। 1980 में इंदिरा गांधी ने सावरकर की 100वीं जयंती पर उनके सम्मान में एक पोस्ट स्टैम्प भी जारी की थी और सावरकर ट्रस्ट को 11,000 रुपए का दान भी किया था। 1983 में उन्होंने सावरकर को महान रेवोल्यूशनरी बताते हुए फिल्म डिवीजन को उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का भी आदेश दिया। इन 2002 एयरपोर्ट एट पोर्ट ब्लेयर वॉज रीनेम्ड वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हिज ऑनर। इन 2003 हिज पोर्ट्रेट वॉज अनवील्ड इन द पार्लियामेंट। शिवसेना इन 2017 डिमांडेड दैट सावरकर बी पॉस्थमसली अवार्डेड भारत रत्न। रिसेंटली अ मूवी ऑन सावरकर्स लाइफ वॉज अनाउंस्ड वेयर रणदीप हुड्डा विल प्ले हिज कैरेक्टर। आज की राजनीति में सावरकर का नाम एक डिसाइसिव रोल प्ले करता है। जहां पर बीजेपी और शिवसेना उन्हें एक महान रेवोल्यूशनरी और एक फ्रीडम फाइटर बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और कुछ और पार्टीज उन्हें डरपोक बताती हैं। विनायक दामोदर सावरकर एक वीर थे या नहीं, आप खुद डिसाइड करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।